Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो आज हम बनाते हैं सिजलिंग गोला कबाब, या आप इसे सिजलर बोल सकते हैं, गोला कबाब सिजलर बोल सकते हैं, या फिर अगर आप इसे प्लेट में सर्व करेंगे तो आपकी मटन गोला कबाब हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, सिजलिंग मटन गोला कबाब सिजलर की प्लेट के ऊपर, मस्त से बढ़िया से विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश। चलिए आज की बनाते हैं। एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, मैं दो डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धोई हुई नितारी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया है वो भी डाल दीजिए। मैंने थोड़े से 5-6 कली लहसुन की ली है, बड़ी पीसेस हो तो आप दो ही डालिएगा। अच्छा, ये है मटन, 250 ग्राम मटन है, बोनलेस है, इसकी मैंने चना बूटी की है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यहाँ पर ये बोनलेस ही लेती हूँ। इनमें मसाले डाल देते हैं, आधा छोटे का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटे का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे का चम्मच नमक डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड को मैं इस तरीके से पीसेस करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, अच्छा निचोड़कर फिर डालिएगा, मैं नॉर्मली ही डाली हूँ। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, प्याज का बिरिस्ता, थोड़ा सा फैट था तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाला है, असली घी, आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसे ढक कर बहुत ही अच्छा इसे पीस लीजिए। अच्छा, पीसना ऐसा है ना कि जैसे हम सीख कबाब के लिए कैसे करते हैं, एकदम टेक्सचर आपको लगता है कि घुल चुका है और एक दूसरे में एम्बाइब हो चुका है, वैसा पीसना है हमें। अच्छा, मैं यहाँ खोलकर देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे मॉइस्चर लग रहा है, तब मैं यहाँ एक ब्रेड फिर से पीसेस करके डाल रही हूँ। अगर आपका ये समय एकदम घुल चुका है तो आप 2 ब्रेड मत डालिएगा, 1 ही डालिएगा, बट मुझे यहाँ 2 ब्रेड लगे। चलिए, इसे बहुत अच्छा मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए, बीच में इसके स्पेस कर दीजिए, एक स्टील की वाटी रख दीजिए या फॉइल पेपर की वाटी बना के रख दीजिए, उसमें गर्मा गर्म कोयले को रख दीजिए, तेल डाल दीजिए क्विकली या घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, आप चाहे तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, 3-4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर खोल लीजिए और ये कोयला फेंक दीजिए, वाटी हटाकर सबसे पहले तो मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ ये कीमे को, साइड पर यहाँ पर तेल है, हल्का सा तेल का हाथ लगा रही हूँ और इससे मैं ना 8 से 9 पोर्शंस कर रही हूँ, इक्वली डिवाइड कर लीजिए कीमे को। अब आप चाहें तो पेंसिल ले लीजिए या फिर आप सीख भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने है ना स्ट्रॉ लिया है, वो पेपर की स्ट्रॉ है, आप प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक पोर्शन को ये कीजिए, बॉल बनाइए, फिर फ्लैट कीजिए और इसके अंदर ये डाल दीजिए हमारी स्ट्रॉ और इस तरीके से शेप देते जाइए और ये बन गई हमारी कबाब। तो इसे गोले कबाब को ये देखिए मैं दोनों ओर से इसे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ बराबर से और इसे अब निकाल कर साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी गोला कबाब, अब इसी तरीके से आप सारी गोला कबाब बना लीजिए। मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ ज़्यादा नहीं डाली हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं, जी हाँ। अच्छा, मैं आपको इसका कीमा बता देती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है, ये देखिए कीमे का जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम घुल चुका है एक दूसरे के अंदर, भुरभुरा टाइप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूट जाएंगे। हाँ, तो चलिए ये सारे बन चुके हैं गोला कबाब, अब हम इन्हें बढ़िया से फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग के लिए एक तवा ले लीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दीजिए, जब अच्छा गर्म हो जाए तेल, चूल्हा मीडियम कर 3-4 एट ए टाइम डालिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 4 डाल रही हूँ, और इसे सबसे पहले तो मीडियम आँच पर 2-3 मिनट तक पीछे की साइड पकने दीजिए, जब हल्का उसको कलर चेंज हो तो उसे उलट पलट करते हुए हल्के हाथ से इसे फ्राई कर लीजिए, चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, स्पॉट्स लाना है, गोल्डन स्पॉट्स लाना है। तो तकरीबन समझिए ना 6 से 7 मिनट तक आप पकाएंगे ना तो आपकी ये जो गोला कबाब है वो भी पक जाएगी और चारों ओर से अच्छा डार्क स्पॉट्स भी कलर्स भी आ जाएंगे।
चलिए 6-7 मिनट हो चुके हैं और चारों ओर से आप देख सकते हैं स्पॉट्स आ चुके हैं, जैसे थोड़े डार्क चाहिए थे मुझे गोल्डन ब्राउन, तो इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बाकी के फ्राई कर लीजिए। अच्छा, गोला कबाब बांधने के टाइम पे स्ट्रॉ से अगर आपसे बराबर से स्लाइड होके हाथ से बाहर ना निकले तो आप पहले स्ट्रॉ के ऊपर थोड़ा तेल लगा लीजिएगा तो बहुत आराम से स्लाइड हो जाएंगे। चलिए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुकी है, इनफैक्ट 7-8 मिनट हो चुकी है मीडियम आंच पर और चारों ओर से लाइट गोल्डन स्पॉट्स आ चुके हैं, तो मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ। और साइड पर है ना, मैंने जब ये वाले डाले थे ना, ये वाला बैच, तो मैंने गरम पर उसे रख दिया था, सिजलिंग प्लेट, सिजलर की प्लेट को, तो अब मैं उसे यहाँ ले लेती हूँ और ये वाले को वहाँ रख देती हूँ और चूल्हे को मैं स्लो कर देती हूँ। अच्छी गर्म हो गई है सिजलर की प्लेट, तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देती हूँ। अच्छा, फैला दीजिए इसे और इसके ऊपर 2 मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़ा संभालिएगा। हाँ, और मैं थोड़ा सा है ना, मुझे इसे कैरमलाइज करना है, मैं हल्का, मुझे तेल लगा कम तो मैंने वो भी डाला है और मैं थोड़ा स्लो पर रखी हूँ। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए, बटर, 3-4 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए। और मैंने ना यहाँ 1 मिनट तक ये जो प्याज है ना उसे थोड़ा सा कैरमलाइज होने दिया, मुझे बड़ी मज़ा आती है, एकदम कच्ची कच्ची प्याज नहीं चाहिए, थोड़ी सी कैरमलाइज हो ना तो मज़ा आए। तो जब ये 1 मिनट हो गया, मैंने चूल्हा फिर से मीडियम आँच कर दिया और ये जो हमारी गोला कबाब जो साइड पर स्लो आँच पर रखी हुई है वो सारी डाल दीजिए तेल के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया इसके ऊपर। और बस इसके बाद ये जो गर्मा गर्म डिश को आप बहुत ही संभाल से, एहतियाती से, चमटे या किसी की मदद से हमारी जो वुडन प्लेट है सिजलर की उसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारे रेडी हो चुके हैं मटन गोला कबाब, सिजलिंग मटन गोला कबाब सिजलर्स के अंदर। अच्छा, आपको सिजलर प्लेट के अंदर सर्व नहीं करना, आप नॉर्मल प्लेट के अंदर सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ये प्याज और हरी मिर्चियाँ स्किप करके डायरेक्टली प्लेट के ऊपर गोला कबाब डाल दें और थोड़ी सी कोथमीर छिड़क दें, तो ये बन गई हमारी ईद स्पेशल। ज़रूर बनाइएगा ईद के टाइम पर, बहुत ही मज़ेदार और मस्त बनी है। तो है ना मजेदार रेसिपी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिए फॉरवर्ड कीजिएगा। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।